अकबरुद्दीन ओवैसी अपने जहरीले बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले हैदराबाद के अकबरुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। मजलिस की जानिब से मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि शिवरात्रि के दिन भी दूसरे दिन भी छुट्टी का ऐलान करिए, क्योंकि शिवरात्रि के लिए हमारे हिंदू भाई जो खाना नहीं खाते, रोजे की तरह रहते हैं और फिर रात भर जागते हैं, दे फास्ट एंड दे आर अवेक फॉर द होल ऑफ द नाइट, और मॉर्निंग में नेक्स्ट डे दे हैव टू गो फॉर द ड्यूटीज। नहीं साहब, आप जिस तरीके से ईद को दो दिन छुट्टी दिए हैं, जिस तरीके से क्रिसमस को दिए हैं, शिवरात्रि को भी दीजिए, अच्छा पैगाम जाएगा हुकूमत की तरफ से। अकबरुद्दीन के जहन में कितना जहर भरा है उनकी तकरीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये दारो सलाम के दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे, खुले हैं, खुले रहेंगे। हर मजलूम, हर जरूरतमंद फरियादी अपनी फरियाद को लेकर आ सकता है, चाहे वो माथे पे तिलक लगाने वाला हिंदू हो, या सर पे टोपी पहनने वाला मुसलमान हो, या सर पे पगड़ी बांधने वाला सिख हो, या ईसाई हो, या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन व दारो सलाम के दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। जी हाँ, AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, जिनकी जुबान से एक बार फिर से जहरीले बोल चुके हैं। ओवैसी वो असरा दवा खाने में इलाज करने के लिए आने वालों को हम ये देखकर कार्ड नहीं बनाते कि तेरा मजहब क्या है। हर आने वाले गरीब को हम एक बीमार की नजर से देखते हैं और इस बीमार की बीमारियों को दूर करते हैं। आज ओवैसी हॉस्पिटल में 50% से जायद बीमार लोग जो अपने बीमारी को दूर करने की उम्मीद को लेकर आते हैं वो गैर मुस्लिम है। सियासत के दुनिया के दो भाई, दोनों के ही टारगेट पर है मुस्लिम वोट बैंक और हथियार है भड़काऊ भाषण। मैं एक रहनुमा होने की हैसियत से, एक मुंतखब नुमाइंदा होने की हैसियत से मेरी ये अखलाकी जमहूरी व दस्तूरी जिम्मेदारी है कि मैं सबसे पहले काम करूं तो उसका काम करूं जो मजलूम है, सबसे पहले उसका काम करूं जो पिछड़ा हुआ है, सबसे पहले उसका काम करूं जो सबसे पीछे है, सबसे पहले उसका काम करूं जो सबसे पसमांदा है। जब मैं पसमांदगी को दूर करूंगा, पिछड़ेपन की कमजोरी को दूर करूंगा, एक मजलूम को इंसाफ दिलाऊंगा, तो जब ही जमहूरियत कामयाब होगी।